सज्जनों मतंग ऋषि प्रकट होकर सबरी को बताया यही राम है। तब सबरी भगवान के चरण पर माथा रख करके बहुत रोए कि प्रभु आने में
बहुत विलंब कर दिए आप। भगवान श्री राम ने कहा भामनी विलंब तो हुआ लेकिन अब रोवो नहीं। तब सबरी चरण धोए भगवान के, सुंदर कुश के चटाई पर बैठने के लिए भगवान को दिए, कांद मूल फल खिलाए। चलिए राकेश कुमार भंगहा निवासी आज राजा हरिश्चंद्र के तरह बहुत दान कर रहे हैं, फिर अकाउंट रुपये दान स्वरूप में दिए हैं। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। आई सबरी के बेर को भगवान श्री राम बड़े प्रेम से खाए लेकिन लक्ष्मण जी ने नहीं खाए। लक्ष्मण जी बेर को पीछे फेंक दिए। तब सबरी हाथ जोड़कर बोली प्रभु मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं का क्यों के ही विधि स्तुति करूं तुम्हारी। अधम जाति मैं जड़ मति भाई, नारियों को अधम कहा। सज्जनों मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं, मैं जड़ बुद्धि आखिर नारी ठहरी। अधम त अधम अधम अति नारी, तीन मैं मति मंद अघारी। अधमों में भी मैं अधम, कैसे स्तुति करूं। भगवान श्री राम ने कहा कह रघुपति सुभामनि बाता मानव एक भगति करना था। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्ति हीन नरसुई है कैसा, बिनु जल बारिद देख जैसा। नवधा भक्ति कहो तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगण करई कपट जिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोती संत अधिक लेखा। आठम यथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखई परदोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भोरो से ही है हरस नदीना। नव महु एक जिन के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान श्री राम ने कहा भामनी किसी भी जाति के लोग हो लेकिन जो भजन करेगा, साधन करेगा, ध्यान करेगा, उसके ऊपर मैं प्रसन्न रहता हूं। सच उसके ऊपर में प्रसन्न रहता। ऊंचे जाति के लोग हो जाए, साधन भजन ध्यान नहीं करे, वह मेघ के समान है। मेघ देखने में तो लगता है कि बरसेंगे लेकिन मेघ बरसते नहीं है। ऊंचे जाति के लोग भक्ति साधन ध्यान नहीं है, वह मेघ के समान है, कुआं के समान है, तालाब के समान है। तालाब में पानी नहीं हो तालाब बेकार, कुआं में पानी नहीं हो बेकार। मेघ बरसे नहीं वह मेघ बेकार है। भगवान श्री राम ने नौ प्रकार के भक्ति सबरी को बताया।
और नौ प्रकार के भक्ति बतलाने के बाद भगवान ने कहा आदेश दो, अब मैं जाऊंगा सीता जी की खोज में। अच्छा सीता जी को देखे हो क्या? सबरी बोली पंपा सड़ही जाहु रघुराई, तहा होई है सुग्री मिताई। आप जाइए पंपा सरोवर के नजदीक एक ऋषिमुख पर्वत है, वहाँ एक सुग्रीव अपने भाई बाली के डर से रहता है। सुग्रीव से आप मित्रता कीजिए, सुग्रीव सीता जी की खोज में आपको मदद करेंगे। और जाने से पहले आप हमको अनुमति दीजिए, मैं जाऊंगी। सबरी अपने योग की अग्नि में शरीर का त्याग कर वहां चली गई, जहां जाने के बाद लौट करके नहीं आती है। सबरी परम धाम गई। भगवान श्री राम लक्ष्मण आगे बढ़े। सज्जनों आज यही सबरी कथा का पाठ हुआ था, यही कथा आप संक्षेप में सुने। अब एक समदन सुनिए, उसके बाद आरती गाना।